आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। जबलपुर से सिवनी की ओर जा रही यात्री बस सड़क के किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। इस घटना में 3 लोगों की जान मौत हो गई है, वहीं लगभग 1 दर्जन यात्री घायल होना बताए जा रहे हैं। इधर घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से मेडिकल अस्पताल में घायलों को भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि घटना मंगलवार आज सुबह हुई है, जब बस जबलपुर से सिवनी जा रही थी, तभी बरगी थाना के मगेला गांव के पास बस ट्रक से जा टकराई। अब बताया जा रहा है कि बस सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई थी, जिसके चलते यह घटना हुई है और यात्री बस की स्पीड भी बहुत अधिक होना बता रहे हैं, जिसके चलते ट्रक से टकराने के बाद बस पलट गई। इसमें एक बाइक सवार बस की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं बस में बैठे 2 यात्रियों के भी मौत हुई है। माना यह भी जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से यह दुर्घटना हुई है। फिलहाल पुलिस ने घायलों को और मृतकों के परिवार वालों को इसकी सूचना दे दी है। घटना रात्रि लगभग 2:30 बजे की है। बांदा से नागपुर जाने वाली बस जो है ये बरगी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में अनबैलेंस हुई और इसके बाद में रोड पर खड़े हुए एक व्यक्ति की उसमें मौत हुई। इसके बाद में सामने लेफ्ट साइड में खड़े हुए एक हाईवा से टकराई और इसके बाद बस पलट गई, तो बस में सवार 2 अन्य व्यक्तियों की भी इसमें मौत हुई है। इस तरह से इसमें 2 पुरुष और 1 महिला की मृत्यु हुई है। बस में सवार 12 लोग घायल हो गए थे, जिनको जिला चिकित्सालय में अभी एडमिट कराया है और सभी खतरे से बाहर है। बस का चालक जो है वो मौके से फरार हो गया है, उसके खिलाफ अभी FIR की जा रही है और शीघ्र अतिशीघ्र उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।